सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। यह एक बात मैं थोड़ी सी तल्ख कहना चाहता हूँ कि आजकल ये नजरिया और जज्बा कुछ कम होता जा रहा है कि मैं चलता हूँ का जज्बा कुछ कम होता जा रहा है। आने वाले आए चले सबको छोड़े, हम लोग खुद जो है ना नाकारे लोग, अमीर के यहाँ की दावत हो तो जाए, गरीब के यहाँ नाक चढ़ा के रह जाए। अब दावतों में भी जब मेयार देखा जाता है, नहीं हम मुसलमान हैं, सैयदुल आलमीन के उम्मती हैं, हम घर देख के दावत कबूल नहीं करते, हम हुजूर की सुन्नत की बुनियाद पर कबूल करते हैं। हमारे यहाँ अमीर और गरीब में फर्क नहीं होना चाहिए, हमारे अपने पराए में फर्क नहीं होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, क्या वो लोग थे हमारे असलाफ के गरीबों के यहाँ भी जाते थे, अमीरों के यहाँ भी जाते थे, छोटे बुलाए तो भी जाते थे, बड़े बुलाए तो भी जाते थे। अब तो लोग जनाजों को भी महंगा कर चुके हैं, मालदारों के यहाँ की मैयत में भीड़ नजर आती है, गरीबों के यहाँ देखकर जनाजे से पता चलता है कि किसी गरीब का जनाजा है जहाँ कंधा देने वाले लोग भी मौजूद नहीं। ये सूरत हाल है, बार बार इसका एहसास मुझे होता है। या अल्लाह, जिस कौम ने जनाजों को भी महंगा किया है, उस वो कौम इज्जत के साथ कैसे जमीन पे जी सकती है। नहीं नहीं, गरीब का जनाजा भी कीमती है, जितना सवाब मालदार के जनाजे को कांधा देने पे मिलता है उतना ही सवाब गरीब के जनाजे को भी कांधा देने पे मिलता है, बल्कि गरीब के जनाजे को कांधा देने पे ज्यादा सवाब है। उसकी वजह यह हो सकती है कि वहां आने वाले तो बहुत है, यहां आने वाला कोई नहीं। मालदारों के यहां भाती लिखाने वाले कतार में खड़े होते हैं, और गरीब के यहां की मैयत का हाल यह है मेरे अपने शहर मालेगांव में कि लोग एक दूसरे का मुंह तकते हैं कि तू लिखाएगा कि तू लिखाएगा। यानी अब अल्लाह के लिए नेकी नहीं हो रही है बल्कि मालदारों के लिए नेकी हो रही है। मुसलमानों, दीन कहां गया, मजहब कहां गया, मसलक कहां गया, कुरानी तालीमात कहां गई? नहीं नहीं, कोई बड़े से बड़ा मालदार भी अपनी एक नेकी का सिला देने की औकात नहीं रखता। नेकी अल्लाह के लिए करो, जियो अल्लाह के लिए जियो, मरो अल्लाह के लिए मरो।